हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि यूट्यूब कितने सब्सक्राइबर पर प्ले बटन को देता है और साथ ही ऐसे कौन से फीचर हैं जिससे आप अपनी अर्निंग को बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरो सब्सक्राइबर की। तो जीरो सब्सक्राइबर पर यूट्यूब आपको यूट्यूब हैंडल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है और इसके साथ ही आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इससे लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप अपने स्मार्टफोन से ही लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तब आपको 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे। तो इसके बाद जो यूट्यूब का सबसे बड़ा क्रिटेरिया और मेन क्रिटेरिया होता है जिससे आप अपनी लाइव की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब के साथ, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो आपका लास्ट 365 डेज का देखा जाएगा। यानी पिछले एक साल में आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ ही आप दूसरे ऑप्शन के साथ भी अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं, जो कि है लास्ट 90 डेज में आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए और ये 10 मिलियन व्यूज आपके शॉर्ट वीडियोस पर होने चाहिए। लॉन्ग वीडियोस के व्यूज को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी यूट्यूब चैनल की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब का एक नया अपडेट आया जिससे आप अपनी अर्निंग और ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे, जिसमें आप यूट्यूब ने इस क्रिटेरिया को कम कर दिया, जो कि है 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि इंडिया में अभी अप्लाई नहीं हुआ है, जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो अभी अपडेट यही है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पर होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट जो सब्सक्राइबर है वो है 10000 सब्सक्राइबर। 10000 सब्सक्राइबर पर आपको कोई भी प्ले बटन ऑफर नहीं मिलता, बल्कि इसमें आपको एक YouTube का एक नया फीचर मिलता है जिसमें आप अपने YouTube पर अपनी स्टोरीज को लगा सकते हैं। YouTube की स्टोरी वाले फीचर से आप अपने चैनल की अर्निंग और ग्रोथ दोनों ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि YouTube की स्टोरी नॉर्मल व्यूज से काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, जिससे आप अपने चैनल की ग्रोथ बढ़ा पाएंगे। तो इसके बाद जो YouTube का नेक्स्ट स्टेप है वो है 1,00,000 सब्सक्राइबर का। 1,00,000 सब्सक्राइबर पर आपको सिल्वर प्ले बटन ऑफर मिलता है, जिसमें आप अपनी मन के अकॉर्डिंग अपने चैनल का नाम या आप अपना कोई भी नाम कस्टमाइज करके आप प्ले बटन पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है अपनी लाइफ का पहला YouTube का प्ले बटन, जो कि है 1,00,000 सब्सक्राइबर का। फिर इसके बाद आता है 10,00,000 सब्सक्राइबर का, जो कि होता है 1,000,000। 1,000,000 पे आपको गोल्डन प्ले बटन मिलता है। और इसके बाद आता है YouTube का सबसे बड़ा क्रिटेरिया 10,000,000 व्यूज का, यानी 1,00,000 सब्सक्राइबर का, जहाँ पर आपको मिलता है YouTube का डायमंड प्ले बटन। तो 10,000,000 के बाद YouTube का जो नेक्स्ट क्रिटेरिया है वो है 100,000,000 का। 100,000,000 सब्सक्राइबर पर आपको मिलता है YouTube का रेड डायमंड बटन। तो 100,000,000 सब्सक्राइबर की अगर बात की जाए तो टी सीरीज ने अपने 100 सब्सक्राइबर को पूरा कर लिया। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि YouTube कितने सब्सक्राइबर पर कौन कौन से फीचर आपके लिए ऑफर करता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना भूले, इसी तरह के अपडेट से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने को प्रेस करना ना भूले।